मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने के तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। हर समस्या का हल है नाम लो कृष्ण का, इस नाम में ही बहुत बल है। प्रेम का अर्थ विवाह करना नहीं होता, बल्कि पूरी निष्ठा के साथ संपन्न करना होता है। प्रेम में कोई वियोग नहीं होता, प्रेम ही अंतिम योग है, अंतिम मिलन है। विश्वास का उत्तम उदाहरण अर्थात अर्जुन ने 10 लाख सेना का त्याग करके श्री कृष्ण को चुना। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते, यही सत्य है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है, एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ न छोड़े। जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं, उसके साथ खड़े रहने से अच्छा आप अकेले रहे। अहंकार तब उत्पन्न होता है जब हम भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारे गुणों को की हो रही है। श्री कृष्ण ने कहा है, अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। सेहत के लिए योग और किसी की ज़रूरत पर सहयोग देने, दोनों से ही जीवन बदलता है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पहचान न करो, भविष्य की चिंता न करो, वर्तमान चल रहा है। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है, यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। यह सच बात है कि भूल करके इंसान कुछ सीखता है, परंतु इसका यह मतलब नहीं कि वह जीवन भर भूल करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है, उसे कभी भी कोई बंद नहीं कर सकता। जब आप दूसरों के लिए अच्छा चाहते हैं, तो वही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में वापसी आती है। यह प्रकृति का नियम है। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो कर्म ही पहुँचाता है। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता न इस लोक में है और न ही कहीं और। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन उसकी संपूर्ण पहचान तो वाणी से होती है। जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है, और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिए यहीं से लिया। खाली हाथ आए, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। तुम जिसे अपना समझकर मगन हो रहे हो, बस यही प्रसन्नता तुम्हारे दुखों का कारण है। यदि कोई व्यक्ति प्रेम से, भक्ति से पुष्प फल जल में मुझ पर चढ़ा दे, तो उसी भाव से उसे स्वीकार करता हुआ मेरा प्रिय भक्त होता है। कर्म का धर्म से अधिक महत्व है, क्योंकि धर्म करके भगवान से मांगना पड़ता है, और कर्म करके भगवान स्वयं फल देता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी माँ को ढूंढ लेता है। किसी को अपने कर्तव्यों से मुख नहीं मोड़ना चाहिए, चाहे उसे इसमें हार दिखाई देती हो। हर काम, हर गतिविधि जो मिल रहा है तुम्हें, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। किसी और का मन पूर्णता से करने से कहीं अच्छा है कि अपना काम करे, भले ही उसे अपूर्णता से करना पड़े। मेरे भी कई जन्म हो चुके हैं, तुम्हारे भी कई जन्म हो चुके हैं। ना तो यह मेरा आखिरी जन्म है, और ना यह तुम्हारा आखिरी जन्म है।